शेतकरी बंधूंनो नमस्कार. तुम्ही पाहताय ग्रेट महाराष्ट्र. तर आपण आहे कर्नालमध्ये. कर्नालमध्ये किसान डेअरी फार्मचे ओनर आहे. आपण त्यांच्याकडून म्हशीच्या किमती जाणून घेऊया, जेणेकरून ते तुमच्या फायद्याच्या ठरेल हा व्हिडिओ. तर हा व्हिडिओ तुम्ही पूर्णपणे पहा. नमस्कार सर. नमस्कार. हम दोबारा मिल रहे, दो बार आपका स्वागत है. अपनी महाराष्ट्र से आप मेरे फार्म पे पहुंचे, आपका यहाँ पहुंचने पर स्वागत है. और सभी को मेरा राम राम. कैसा चल रहा है अभी? बढ़िया चल रहा है. अच्छा चल रहा है मौसम. मौसम अभी शुरुआत हुई है, बारिश की शुरुआत हुई है. आज आप आए तो बाहर आई, बारिश भी आई है. बारिश आने के बाद मतलब रेट बढ़ता है या कम होता है? पता क्या, वैसे तो दो तीन साल पहले होता था कि बारिश आएगी थोड़ा बच्चे भैंस ज्यादा देंगी, लेकिन अभी इतना फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत पड़ता है, ज्यादा नहीं. अभी क्या चल रहा है रेट? अभी रेट वैसे तो भैंस के हिसाब से रेट है. मेरे पास तो हर टाइम आपको 40 भैंसें मिलेंगी, 90,000 से स्टार्ट होके और 1.5 लाख तक की भैंस मेरे पास हर टाइम रहती है. कोई किसान को वीडियो में कोई फोटो डाल के बोलता है कि यार 50,000 में भैंस मिलेगी, 40,000 में भैंस मिलेगी, क्या लगता है आपको? वो एक फ्रॉड होता है. और मैं तो कहूँ वो भाई 50,000 में 16 लीटर वाले, मैं भी देखता हूँ फेसबुक पे 50,000 में 16 लीटर वाली, ये सब फ्रॉड है. वो 5-10,000 रुपये टोकन टोकन लेके और खत्म. हाँ बस, मतलब फ्रॉड हो सकता है. एक 20 रुपए की सीम लेते हैं और रोज एक डायरी नई डायरी करते हैं, उनका ये काम है. अभी आपके फार्म पर कितना पशु अवेलेबल है? मेरे पास अभी कम से कम 35-40 भैंसे अवेलेबल है. क्या रेट से चल रहा है, मतलब पहले हमें बताओ ना उसके बारे में थोड़ा. रेट अपना सारा ये सभी भैंसे है ना, 90,000 से स्टार्ट होके और 1.5 लाख तक रहती है. इस बफेलो का क्या? इसका 1.5 लाख है और मौके 20 लीटर दूध है. कितने ब्याज की है ये? सेकंड टाइम का है. सेकंड टाइम. नीचे क्या है? नीचे मिल्क हाफ है इसका. मिल्क कैपेसिटी कितना है? मिल्क कैपेसिटी भैया 1-2 लीटर और बढ़ेगी. आज 13-14 दिन का ब्याह है, 22 लीटर दूध बड़े आराम से निकालेगी. ये कि मैंने मुंह से नहीं बोलना, जो भी भाई मेरे से खरीदे 2 दिन का टाइम निकाल के आए. इसका क्या रेट? ये फर्स्ट टाइम की है और इसका रेट 1,30,000 रुपये है. कितना दूध देगी ये? दूध निकालेगी भैया 14-15 लीटर. मतलब कितना दिन हो गए इसको? इसको हो गया भैया 7 से 8 दिन हो गए बच्चा देने के बाद. हाँ. नीचे क्या है? नीचे फीमेल काफ है इसका. अगले का बताओ भैया. ये भी फर्स्ट टाइम की है, इसका रेट 1,20,000 रुपये है. कितना दूध देगी ये? दूध निकालेगी 15 लीटर भैया. अभी करनाल तो मतलब बहुत लोगों को पता है कि वो यहाँ गाय मिलती है, बफेलो मिलता है, लेकिन तुम्हारे पास ही क्यों आए हो? यहाँ बहुत डेयरी फार्म है तो आपके पास ही को क्यों किसान आए? क्या खास भैया? काम तो मैं एक्सेप्ट कभी करता हूँ, लेकिन मेरा मेन काम है मुर्रा का. मैं मुर्रा पे ज्यादा अपना काम करता हूँ. और अपना जो आदत है ना भैंसे रखने का, फर्स्ट और सेकंड का है. जो भी भाई इतनी दूर से महाराष्ट्र से आंध्र से कहीं भी मेरे पास आए, तो कहीं से मेरे पास से नहीं, कहीं मर्जी से ले, तो जवान भैंसे ले. तो इतनी दूर जा रही है 2,000 किलोमीटर, तो उनके पास 10 साल, 15 साल, 5 साल रहेगी वो. उनको अच्छे बच्चे देंगी, अच्छी भैंसे यहाँ से जाएंगी. तो अगर आप थोड़ी एज वाली भैंस लेंगे तो 1-2 ब्यांत में खत्म हो जाएंगी. हाँ. अभी इसको क्या खिलाते हो, उसको थोड़े बारे में बताओ ना. मतलब तुम्हारे यहाँ क्या खिलाते हैं भैया? जैसे अभी तो नॉर्मल ये डाला हुआ है, इसमें मक्के का घास है और गेहूं का भूसा है, अभी तो ये डालते हैं. राशन इसमें रात को डालेंगे. जैसे क्या होता है? बिनोले खल होता है भैया, आपके उधर शायद सरकी बोलते हैं उसको. बिनोले खल होता है, चना चूरी होता है, चना छिलका होता है और चोकर होता है. कितना टाइम देते हो भैया? 2 टाइम देते हैं, सुबह और शाम. और ये चारा? ये चारा सुबह शाम डालते हैं, ये रात के लिए रेडी है, इसमें सिर्फ राशन डालना है. अपने महाराष्ट्र पे कभी कहाँ कहाँ बेचा है भैया? वैसे तो ऑल महाराष्ट्र में जाता है, मेन मेरा कोल्हापुर, पुणे, सितारा, औरंगाबाद, उस्मानाबाद, मतलब तकरीबन सभी जगह जाता है. इसमें 1 लाख के नीचे वाला बफेलो है क्या? अंदर बंदी हुई है जी मेरे पास. ओके, इसमें 1 लाख के ऊपर? इसमें सारा 1 लाख से लेकर 1.5 लाख के बीच में है. हाँ. 1 लाख के नीचे का जो बफेलो रहता है उसका क्या रहता है? मतलब उसका यही रहता है, दूध निकालती है 12-13 लीटर, 12-13 लीटर. वैसे तो 90,000 की भैंसी 15 लीटर दूध निकाल देती है, लेकिन वो थोड़ा दिखने में बनावट पे डिपेंड करता है. जैसे कोई ड्यूटिया सुंदर होती है, अब ये छोटा सींग है, बिल्कुल अच्छी है, जवान है, ये इसका रेट 1 लाख रुपये है. लेकिन एक थोड़ा खुले सींग की है, दूध 15 लीटर है, उसका भी 1 लाख है. वो ब्यूटी पे, क्वालिटी पे डिपेंड करता है. कितने ब्याज की है अभी? ये फर्स्ट टाइम का है.
फर्स्ट टाइम हाँ, कितना दूध देगा? ये दूध निकालेगा फर्स्ट टाइम में 13 से 14 लीटर, 12 से कम तो बिल्कुल नहीं रहेगा, 12 से कम नहीं। हाँ, आप कोई गारंटी वारंटी कोई देते? गारंटी भैया मैं 1 किलो की भी नहीं देता। पता क्यों भैया? मैं ये जानवर है और ये खिलाए का है, अगर मैं गारंटी दे दूं अगला केयर ना करे वो गारंटी कुछ नहीं करेगी। अगर हम आदमी देखते हैं, मेरे पास है ना आदमी आते हैं महाराष्ट्र के जिनको अच्छी तरह जानते हैं, जो बार बार आते हैं उनको हम गारंटी भी देते हैं, नए आदमी को कभी गारंटी नहीं देता मैं। जो केयर करता है उसको थोड़ा उसको सीधा कोई भी किसी को गारंटी दूंगा उसकी 12 लीटर की, मेरे यहाँ 14 लीटर चेक करके लेके जाना। बुल भी अवेलेबल है क्या? बुल वो तो वैसे पर्सनल है मेरा, वो कंपटीशन में भी लगा था, थर्ड पोजीशन आई थी ऑल इंडिया में, मतलब 75 लगा था DFA मेला उसमें, और उसकी माँ का 25 किलो 700 ग्राम लाइव चला था चार टाइम। हाँ, यूट्यूब चैनल था उस पर चलाया था। आपको ये जी बुल से कोई मतलब बच्चा तैयार हो के? नहीं, अभी स्टार्ट नहीं किया वो, अभी एज उसकी 21 से 22 महीने है, अभी दांत नहीं किया, दूध के दांत अभी। मतलब आगे जाके उसका ब्रीडिंग? हाँ, मतलब अपना घर के लिए रखा हुआ है कि मेरे वैसे अच्छी क्रॉस करे आसपास के गांव में, मतलब एक बढ़िया नस्ल अच्छे तैयार होती रहे, हमारी हरियाणा का नाम ऐसे चलता रहे। ये क्या है बकुलों का रेट और कितना दूध देगी भैया? इसका 1,40,000 रुपये है, अभी मौके पे 18 लीटर दूध तैयार है इसका। किसी किसानों को मतलब 10 या 11 लीटर की दूध चाहिए वाली चाहिए, तो उसका क्या रेट रहेगा भैया? वैसे तो हम गाड़ी भी बना देते हैं, पहुंच भी कर देते हैं 10 लाख में 11 लाख में महाराष्ट्र में, 1 क्विंटल की पासिंग दे देते हैं, 1 क्विंटल 20 किलो की पासिंग दे देते हैं जो मांगता है। बाकी मैं ये बोलता हूँ क्वालिटी का रेट है, भैंस 70,000 की भी दिलवा देता हूँ मैं। मतलब जैसी क्वालिटी वैसा रेट? वैसा रेट। ओके, हाँ। तो मुझे ये बताना, अभी आप जो किसान होते हैं, क्या लगता है आपको कि किस वजह से इस बिजनेस में मतलब आगे नहीं बढ़ पाते, ऐसा कोई आपके पास आया है क्या? भैया खुद गए होता है, आप लेबर पे डिपेंड मत रहो। अगर मैं खुद कर सकता हूँ तो मैं काम चालू कर लो, अगर नहीं लेबर पे करेगा तो ये काम सक्सेस नहीं होगा, ये फेल है। खुद करना चाहिए। मान ले मैंने 4 लेबर वाले रख लिए और 20 भैंसे रख ली, बाई चांस इनको भी घर पे प्रोग्राम होता है, कुछ ऐसा होता है, कई इमरजेंसी काम भी चला जाता है, और ये चले गए, फिर आप देखते रहो और सब भैंस धंधा चौपट हो जाएगा सारा। अगर आप खुद में आप में काबिलियत है तो आप ये काम करो, आप मेहनत कर सकते हो, आप सुबह 4 बजे उठ के रात को 10 बजे सो सकते हो, पूरा दिन मेहनत कर सकते हो, काम करो, और नहीं तो ये काम मत करना। आपके पास क्या क्या सर्विस अवेलेबल रहती है अभी? भैया मैं तो वैसे दिला देता हूँ, HF गाय दिला देता हूँ, और अपना ट्रांसपोर्ट का पेपर वर्क जो भी रास्ते में जो भी चाहिए वो कर देते हैं, लेबर का अरेंजमेंट कर देते हैं। किसी भाई नया गोटा स्टार्ट करता है तो हम अपना लेबर 15-20 दिन वहाँ दिन छोड़ भी देते हैं, उनको सेट करके बड़े आराम से आता है, ये नहीं कि भैंस दी और उसका छुट्टी, कम से कम 15-20 दिन तक उसका अपडेट लेते हैं, बंदा छोड़ते हैं वहाँ पे। धोखाधड़ी कुछ नहीं होगा? नहीं, साफ सुथरा काम करते हैं। सोशल मीडिया में कम से कम 10 साल हो गए मेरे को, अगर किसी से फ्रॉड करता आज तक तो लोग नीचे कमेंटों में पता नहीं क्या क्या लिख देते मेरा। हाँ, और कोई किसान आना चाहे तो क्या प्रोसेस रहेगी, कितना लेना पड़ेगा कम से कम? भैया कम से कम 5-6 से तो कम से कम लेना पड़ेगा, या किसी दो लेनी हो तो 2-3 किसान मिल के आ जाए, मतलब गाड़ी का सिस्टम बनाने का 6 का सिस्टम बनाना पड़ेगा, क्यों इतनी दूर थोड़ा भाड़ा किराया लग जाता है थोड़ा। हाँ, तो क्या कहेंगे लास्ट का किसानों को? बस यही कहेंगे, जिससे भी भैंस, मेरे से भैंस मत लो, जिससे भी लो, जिसके पास खुद की भैंसे हैं वहां से भैंसे लो, खुद का गोटा हो, उसको नॉलेज होती है, वो कस्टमर की बचाने की कोशिश करता है। अगर मेरे पास कोई आदमी आएगा, मेरे पास खुद की मेरे को नॉलेज है और मेरे पास भैंस है, तो मैं अपने कस्टमर को ग्राहक को मरने नहीं दूंगा, और दलाल किसी एजेंट के चक्कर में आएंगे उसको कोई मतलब नहीं है, वो खुद भी दूध खरीद के पीता है और वो भैंस दिलवाता है, तो उससे बचे थोड़ा आपका फायदा ही होगा, नुकसान तो पूरी डिटेल नहीं दे सकते वीडियो में। ठीक है, शेतकरी बंधूंना हा वीडियो कसा वाटला ते कमेंट मध्ये नक्की कळवा, जर यांच्याकडून तुम्हाला म्हशी खरेदी करायची असेल स्क्रीनवर नंबर आहे त्यावर कॉन्टॅक्ट करू शकता। धन्यवाद, आपला महाराष्ट्र भेटू, धन्यवाद, थँक्यू, धन्यवाद।